मेरी पिछली वीडियो के परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद और उसके कमेंट बॉक्स को देखकर मुझे ये बात तो पता चल गई है कि कर्सिव राइटिंग को बहुत सारे ही लोग पसंद करते हैं। इवन कम्युनिटी पोल में भी कुछ सर्वे करने के बाद भी मुझे यही पता चला कि लोगों को कर्सिव राइटिंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आप लोगों को कर्सिव राइटिंग की कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टिप्स दे दूं, जो कि लाइक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी कर्सिव राइटिंग को और भी ज्यादा इनहेंस करने में। तो देखो, कर्सिव राइटिंग के फॉन्ट्स को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन वर्ड्स को अलाइन करके एक साथ लिखना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग की ब्यूटीफुलनेस उन्हीं अलाइन वर्ड्स की वजह से दिखती है। तो उसी चीज के लिए आप अपने हाथों की ग्रिप चेंज कर सकते हो, क्योंकि कर्सिव राइटिंग के फॉन्ट्स राइट साइड टिल्टेड होते हैं एंड उसके लिए तो आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छे ग्रिप चूज करनी चाहिए। अभी जो आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप शो हो रही है, आप इनमें से भी अपने लिए एक ग्रिप चूज कर सकते हो, वरना आपको इंटरनेट पर तो एक से एक ग्रिप मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट, एक चीज का ध्यान जो कि आपको देना ही देना है कि लिखते टाइम सिर्फ आपकी फिंगर्स ही मूव नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका पूरा हैंड मूव होना चाहिए, जो कि आपकी राइटिंग की कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा और बीच में राइटिंग भी बहुत कम ही ब्रेक होगी। एंड मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि कौन से टाइप का पेन बेस्ट होता है कर्सिव राइटिंग को लिखने के लिए। तो कर्सिव राइटिंग के लिए जेल पेन सबसे बेस्ट होता है, बट जेल पेन भी बहुत वेरियस कैटेगरी में आते हैं। लाइक कोई पेन बहुत ज्यादा ही स्मूथ लिखता है एंड कोई पेन कुछ ज्यादा ही मैसअप हो जाता है एंड सो ऑन। सो आपको अपने बजट और कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पेन को चूज करना है एंड उसी पेन से बेस्ट राइटिंग बनाने का ट्राई करना है। एक अच्छी और एक अट्रैक्टिव कर्सिव राइटिंग बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि सारे स्मॉल लेटर का साइज एक जैसा हो एंड कैपिटल लेटर का साइज भी बाकी कैपिटल लेटर के जैसा ही हो, तभी वो राइटिंग एक अट्रैक्टिव राइटिंग लगेगी। बाकी तो अगर आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग बनाना है और आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आप कैलीग्राफी के ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी देख सकते हो इंटरनेट पर, उससे आपको अपनी राइटिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे तो अभी बहुत सारी ट्रिक्स और भी बची हैं आप लोगों को बताने के लिए, बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की ट्रिक्स भी बता दूंगा। एंड अगर आप किसी और वीडियो के लिए भी सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।